रायबरेली एक्सप्रेस खबरें सबसे सटीक। रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र के प्रगतिपुरम गल्ला मंडी रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक अचानक नाले में गिर गया, जहां लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिल एरिया पुलिस, फायर ब्रिगेड व नगर पालिका की टीम युवक को ढूंढ सकी, पर तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर बनवाए गए जेवरात पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बेटी के हाथ पीले करने के लिए रखे गहनों की चोरी हो जाने से पीड़ित परिवार सदमे में है। कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव में बुधवार गुरुवार की मध्य रात को अज्ञात लोगों ने मकान की पक्की दीवार की सेंध काटकर लगभग 5 लाख की कीमत के जेवर और 50,000 नकदी चोरी करने का आरोप पीड़िता ने लगाया है। जहां पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश भर में जनता परेशान है, वहीं किसान डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। किसानों को अपने खेत में काम करने के लिए ट्रैक्टर ट्यूबवेल दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन डीजल महंगा होने के कारण किसान निराश व हताश हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज रायबरेली कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क पर जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। विपक्ष को घेरते हुए मोदी हाय हाय के नारे भी लगवाए व मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से कीमतें कम करने की मांग की है। तेज हवाओं के साथ झमाझम हुई बारिश, लोगों ने भीषण गर्मी में ली राहत की सांस। गुरुवार के दिन ही शुरुआत बादलों के बीच हुई। गुरुवार को सुबह से ही बादल छाए रहे व झमाझम बारिश भी रही। सरेनी थाना क्षेत्र के गुरुवार को तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो गई। बारिश शुरू होते ही बच्चों व किसानों ने के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वहीं एक और प्रचंड गर्मी से राहत भी महसूस की। आसमान में बादल बारिश के बाद भी छाए रहे। बारिश होने से किसान खुशी हैं। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।